वेलकम बैक टू क्रिएटिव किचन। तो आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ मनचाओ सूप। तो मनचाओ सूप के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बारीक कटा हुआ अनियन, कैप्सिकम, हरा धनिया, जिंजर, गार्लिक, मिर्च, ब्लैक पेपर। ये नूडल्स हमने लिए हैं जो पानी में हमने उबाल लिए हैं 10 मिनट के लिए। कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर, टोमेटो केचप, सोया सॉस आपको इसमें चाहिए तो आप इसके अंदर रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। इस बाउल में सब में पहले हम ले लेंगे ये उबली हुई नूडल्स और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च और इसे हम अच्छे तरह से कोट कर देंगे। इसे अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे डीप फ्राई कर देंगे ऑयल के अंदर। ऑयल गर्म हो चुका है और ये नूडल्स मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। इसे हमें सुनहरा होने तक अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। इस वजह से ये अच्छे से हमें क्रिस्पी लगेंगे। देखिए ये हो चुके हैं, इस तरह से हमने इसे डीप फ्राई कर लिया है। कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे और हमारे सारे वेजीज को हम अच्छे से सोते कर लेंगे। यहाँ हमने लिया है ऑयल। अब इसमें मैं डाल दूँगी गार्लिक और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम ऐड कर देंगे जिंजर। जिंजर और गार्लिक को हम अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें डाल दिया है अनियंस। अनियंस को भी अच्छे तरह से हम पका लेंगे। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे हम और इसके अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ये ठंडे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अनियंस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें ऐड कर दिया है ग्रीन चिली, कैप्सिकम। आपको जो भी वेजेस अच्छे लगते हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। चाहे तो आप इसके अंदर मशरूम्स भी डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे से सोते कर लेंगे। रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो इसी सूप के लिए आप कितना पैसा पे करते हो और देखिए कितने आसानी से आप कितने जल्दी ये घर में आप बना सकते हो इजीली। ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार अब इसमें डाल देंगे हम नमक, सोया सॉस और उसके बाद हम इसके अंदर टोमेटो केचप डालेंगे और पानी डालेंगे। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर पानी डालने के बाद इसके कॉर्नफ्लावर का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इस तरह से और इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी फ्लेवर इस सूप के अंदर आएगी और आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा सूप। तो हमारा सूप बनके अब तैयार है। हम इसे सर्व कर लेते हैं बाउल में और इसके अंदर अब हम डाल देंगे हमने जो हमारी नूडल्स फ्राई करके ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। हो गया हमारा मनचाओ सूप रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू।